चीन में हजारों सालों से कई रहस्य छुपे हुए जिनके बारे में वैज्ञानिक भी आज तक कुछ पता नहीं लगा पाए। चीन की सांसिंग जुए म्यूजियम में एक तांबे की मूर्ति है जिसमें आदमी का हाथ बंद है और पैरों में चप्पल की जगह एंटीलेप है। म्यूजियम में रखी तांबे की मूर्ति बताते हैं कि 2.65 मीटर की है। कुछ लोगों का कहना है कि यह प्राचीन सिचुआन साम्राज्य का प्रतीक, जबकि कई लोगों का मानना है कि यह मूर्ति एलियन के जीवन का सबूत है। बताया जाता है कि 3000 साल पहले की एक राजा की यह मूर्ति है। इस मूर्ति के सिर पर सूरज जैसी आकृति बनी हुई है और कपड़ों पर रिबन लगे और ड्रैगन बना है। सांसिंग जुए में 10,000 से अधिक सामान मिले हैं। यह सभी 1929 के बाद से 3000 साल से 5000 साल तक के हैं। यहाँ पर 1980 में एक किले का अवशेष बरामद हुआ था। माना जाता है कि सांसिंग जुए का इतिहास 3000 साल पुराना है, लेकिन खुदाई के बाद पता चला कि यहाँ की सभ्यता 5000 साल से पहले की है। यहाँ पर कसी से जुड़े कई औजार भी मिले हैं और बताया जाता है कि कुछ समय बाद यह सभ्यता अपने आप गायब हो गई। येलो नदी से चीनी सभ्यता की शुरुआत होने को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पुरातत्वविदों के लिए यह इलाका काफी रोचक बन गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सांसिंग जुए जैसी सभ्यता अचानक कैसे लापता हो गई। माना जाता है कि ऐसा भयानक भूकंप की वजह से हुआ हो। बरामद की गई चीजें चीन के इतिहास में नहीं पाई जाती। पुरातत्वविद को हैरानी हो रही है कि यह प्राचीन सभ्यता इतनी विकसित कैसे हुई थी। सांसिंग जुए में मिली वस्तुओं को देखने के बाद कुछ लोग मानते हैं कि यह रहस्यमय चीजें एलियंस की हो सकती है। यहाँ 1986 में UFO के देखने की बात भी गई थी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।